सरोकार। मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों का। की कगार पर खड़ी शिवसेना विधायकों के बाद अब नाराज हुए 8 से 9 सांसद। महाराष्ट्र संकट में टीम शिंदे से जुड़े 3 और शिवसेना एमएलए, अब केवल 1 और पार्टी विधायक की जरूरत। भरोसा जीतने आदिवासी लड़कियों की शादी कर रहे नक्सली, एमपी के जंगलों में 20 करोड़ के इनामी एक्टिव। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में खुलासा, गनमैन समेत ग्रेनेड से उड़ाने की थी साजिश। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट तेज, 2022 में अब तक 118 आतंकी मारे गए, इनमें 32 आतंकी विदेशी। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 गुना बढ़ी मौतें, देश भर में 13,195 नए केस मिले। ब्रिक्स बिजनेस फोरम में उद्घाटन में बोले पीएम मोदी, हम हर सेक्टर में इनोवेशन को सपोर्ट कर रहे। जेएमएम से झटका लगने की आशंका, यशवंत सिन्हा बोले आइडियोलॉजी का है चुनाव। महाराष्ट्र में नई सरकार का ख्वाब स्वप्न दोष जैसा, समय रहते सावधान हो जाओ सामना में, लिखा शिवसेना। भारत का नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-24 सफलतापूर्वक लॉन्च, TDH जरूरतों को पूरा करने में सहायक। ईपीएस को मद्रास हाईकोर्ट से झटका, सिंगल लीडरशिप के प्रस्ताव पर फैसला लेने पर लगी रोक। एक्शन में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, 1 डिप्टी सेक्रेटरी और 2 एसडीएम निलंबित। सोनिया गांधी ने ईडी से मांगी मोहलत, खराब सेहत का दिया हवाला, ईडी से मांगी बात। आपका बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोली दिल्ली में 53 मंदिरों को तोड़ने जा रही केंद्र सरकार को लिखा पत्र। जेपी नड्डा के घर में आगजनी की कोशिश करने वाले 4 लोग गिरफ्तार, सभी कांग्रेस यूथ विंग कार्यकर्ता। बरेली राइफल क्लब में अब लगेगा इंटरनेशनल निशाना, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में क्लब हुआ शामिल। चीफ जस्टिस की बेंच ने टीचर की अपील की खारिज, फर्जी मार्कशीट पर नौकरी करने वाले अध्यापक को नहीं मिली राहत। कानपुर एयरपोर्ट के निर्माणाधीन टर्मिनल में हुआ हादसा, 1 मजदूर की मौत। झांसी के थाने में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल, थाने में डीजे पर नाच रहे पुलिस वालों ने की फायरिंग, एफआईआर दर्ज।
कौशाम्बी में कंटेनर से भिड़ी बस हादसे में चालक और 25 यात्री घायल। कानपुर से प्रयागराज जा रही थी रोडवेज। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में शामिल होंगे सीएम योगी। यूपी करेगा राष्ट्रपति की जीत सुनिश्चित। प्रतापगढ़ शहर का मुख्य रास्ता एक माह तक रहेगा बंद। क्षतिग्रस्त पुलिस का निर्माण कार्य जारी। चंदौली किशोरी के साथ 3 महीने तक दुष्कर्म। गाजियाबाद में बंधक बनाकर करता रहा रेप। कमरे में कर देता था बंद। प्रतापगढ़ में साथियों ने सिपाही को पीट पीट कर मार डाला। छत्तीसगढ़ पुलिस में करता था नौकरी। रामपुर में पुलिस भाजपा के बीच टीम। अब्दुल्ला ने कहा पुलिस ने सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। जौनपुर में 24 हेक्टेयर में बनेगा नई जेल। 250 करोड़ की लागत से 1032 कैदियों की क्षमता। अयोध्या में शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के रहने वाले अयोध्या में चोरी की घटना को दे रहे थे अंजाम। लखनऊ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सहारनपुर हिंसा में वायरल मैसेज। चश्मदीद बोले झूठा मैसेज उन तक भी पहुंचा जिनके पास मोबाइल नहीं था। फिरोजाबाद में मजदूरों के बच्चों को मिलेगी साइकिल। 2000 बच्चों को मिलेगा फायदा। अमरोहा में कारोबारी से 88,000 की ठगी। किराएदार ने सस्ते में सामान दिलाने का दिया झांसा। रामपुर के बिलासपुर में उपचुनाव में मतदान के दौरान हंगामा। आक्रोशित ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। इटावा के सफाई में साधु की गला रेतकर हत्या। जमीन पर मच्छरदानी लगाकर सो रहे थे। फतेहपुर में 2 साइकिल सवारों पर पलटा ट्रक। एक की मौत। तेज रफ्तार ट्रक ने ड्राइवर को खो दिया कंट्रोल। प्रयागराज में साहब मेरी बीवी मुझे बहुत मारती है। जन सुनवाई केंद्र में पहुंचे पीड़ित ने अपनी पत्नी से बचाने की लगाई गुहार। अयोध्या में राम की पैड़ी पर परी की पिटाई में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 10 अज्ञात के खिलाफ की बलवा की धारा में कार्रवाई। बांदा में सड़क हादसे में युवक की मौत। सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी बाइक। बदायूं में युवक को मारी गोली। पुलिस मान रही संदिग्ध। केशवपुर में देर रात की घटना के बाद पुलिस को तहरीर का इंतजार। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। अभियुक्त के पैर में लगी गोली। एसआई घायल। दोनों अस्पताल में भर्ती। बलरामपुर पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य। मरीजों से की शिकायत पर नर्सों को वेतन रोकने का दिया निर्देश।
पीलीभीत में सड़क हादसा, 10 की मौत, 7 घायल। श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पेड़ से टकराई, हरिद्वार से नहाकर लौट रहे थे। आजमगढ़ रामपुर उपचुनाव की वेटिंग, केशव प्रसाद मौर्य बोले भ्रष्टाचारी और परिवारवादियों को वोट की ताकत से दे जवाब। हमीरपुर में पिकअप और ऑटो की टक्कर, 8 की मौत, प्रत्यक्षदर्शी बोले मेरे सामने ड्राइवर ने तड़प तड़प कर दम तोड़ा। बिजनौर में चलती कार में लगी आग, देखते ही देखते जलकर हुई राख, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। उन्नाव में पोते ने की दादी की हत्या, मां बोली रोज कहता था सबको काट डालूंगा, फावड़ा उठाकर बुजुर्गों को काट डाला। चार धाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, चार धाम यात्रा पर एसओपी कब लागू होगी, मामले में 28 को सुनवाई। आईएसए रामविलास यादव गिरफ्तार, सीएम धामी ने दिया था जवाब, सख्त कार्रवाई का आदेश। उत्तराखंड छात्रवृत्ति घोटाले में शामिल शिक्षण संस्थानों पर ईडी का शिकंजा, 150 से ज्यादा को नोटिस। उत्तरकाशी में सड़क कटिंग के दौरान मलबे में दबी 5 महिलाएं, 1 की मौत, हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचे विधायक। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड राज्य वन्य जीवन बोर्ड की 17वीं बैठक, 3 रोपे परियोजनाओं को मिली हरी झंडी। भारत की 5 हेक्टेयर भूमि पर नेपाल का अतिक्रमण, वन विभाग ने शासन को भेजी रिपोर्ट। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या 50% घटी, ऑफलाइन पंजीकरण संख्या भी गिरी। सरकार और शासन की तनातनी, सचिव ने जारी की डीएसओ ट्रांसफर लिस्ट, नाराज मंत्री ने कर दी कैंसिल। उत्तराखंड में कागजों पर चल रहा है ये नौ राजनीतिक पार्टियां, जल्द पंजीकरण खारिज करेगा निर्वाचन आयोग। लालकुआ में बाइक छुड़ाने को लेकर व्यापारियों ने किया हंगामा, आरपीएफ अधिकारियों ने कराया शांत। नकली दवाओं का कारोबार, हरिद्वार जिले के हैं सबसे ज्यादा मामले। इक्कीस सालों में 144 बाघों की मौत, बाघों की मौत रोकने को वन्य जीवन सुरक्षा, वनाग्नि पर बनेगी पीआरटीटी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नीब करौली महाराज के किए दर्शन, कहा महाराज की कृपा हर किसी पर हमेशा बनी रहे। रुद्रपुर में कोचिंग सेंटर के मैनेजर का अपहरण, 50 लाख की मांगे फिरौती। इमरान का कबूलनामा, कहा खुदा गवाह है आईएसआई प्रमुख फैज अहमद को कभी सेना प्रमुख बनाने का नहीं सोचा।
सिंगापुर में क्रेन से दबकर भारतीय श्रमिक की मौत, कारस्थल पर मौत का इस साल का 27वां मामला। कुवैत के क्राउन प्रिंस ने भंगी संसद, राजनीतिक गति विरोध खत्म करने के लिए चुनाव का किया आह्वान। यूएस में 25 वर्षीय भारतीय नागरिक की गोली मारकर हत्या, पिता बोले बेटे को अमेरिका नहीं भेजना चाहता था। चीन के राष्ट्रपति ने यूरोपीय संघ पर साधा निशाना, कहा प्रतिबंध लगाने से दुनिया भर के लोगों को होगा नुकसान। गिलगित बाल्टिस्तान का सौदा कर सकता पाकिस्तान, कर्ज से छुटकारे के लिए चीन को सौंप सकता है। अमेरिका के मियामी एयरपोर्ट पर विमान में लगी आग, हादसे के वक्त प्लेन में 126 लोग सवार थे, अब मामूली रूप से जख्मी। भूकंप के झटके से एक बार फिर कांपा नेपाल, काठमांडू में 161 किलोमीटर दूर रहा केंद्र। रूसी सेना ने खारकीव पर की रॉकेट की बारिश, 15 की मौत, बाहरी इलाकों में बने घर नष्ट। ब्रिक्स सम्मेलन में बोले पुतिन, राजनीति से प्रेरित पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने आर्थिक चुनौतियां बढ़ाई। एक जुलाई से लागू हो सकते हैं चारों लेबर कोड, इससे सप्ताह में 4 दिन काम के बाद मिलेगी 3 दिन की छुट्टी। असम की पाव भोजन गोल्ड टी 1,00,000 रुपए किलो में बिकी, चीन की दम होगी पाव टी की कीमत 9 करोड़। सत्ताईस पैसे कमजोर होकर रिकॉर्ड 78.40 पर पहुंचाया रुपया, एफआईआई की बिकवाली और महंगाई ने बढ़ाया दबाव। खाने के तेल में की कीमतों में गिरावट, सरकार ने कहा सही समय पर दखल से कम हुई कीमत। सीबीआई ने डीएचएफएल के वाधवान ब्रदर्स पर 34,615 करोड़ का फ्रॉड केस किया दर्ज, मुंबई में 12 लोकेशन पर छापे। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास का बड़ा बयान, कहा महंगाई अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चिंता। अडानी अंबानी के बीच बढ़ा फासला, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन को वॉरेन बफेट ने पछाड़ा। एलन मस्क का बड़ा बयान, कहा लोगों से क्रिप्टो में निवेश करने को कभी नहीं कहा। आईआरसीटीसी ने कैंसिल कर दी 225 से अधिक ट्रेनें, 24 जून को भी नहीं चलेंगी 130 गाड़ियां। डार्क वेब ड्रग सेल, आतंकवादी जैसे अपराधों में खूब चलता है डीओजी का सिक्का, बाल यौन शोषण में भी किया जाता है इस्तेमाल। पीसीबी से नाराज होकर पाकिस्तानी खिलाड़ी शुएब ने किया आत्महत्या की कोशिश, हालत नाजुक। श्रीलंका भारत के बीच टी20 सीरीज के प्रसारण में किसी चैनल का रुचि नहीं, कप्तान हरमनप्रीत हुए हैरान।
आईपीएल की राह पर बीबीएल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने की आईपीएल की नकल, बिग बैश में शुरू की ड्राफ्ट व्यवस्था। पुजारा के नक्शे कदम पर वॉशिंगटन, सुंदर फॉर्म में वापसी के लिए इंग्लैंड में खेलेंगे क्रिकेट। दो टप्पे में आए गेंद, फिर भी नहीं छोड़ा गली क्रिकेट स्टाइल में छक्का उड़ाकर ही माने जोस बटलर। इंग्लैंड ने किया क्लीन स्वीप, तीसरे वनडे में नीदरलैंड को 8 विकेट से हराया। ओपनर जेसन रॉय ने ठोका 10वां वनडे शतक। इंग्लैंड में क्रिस गेल से मिले विजय माल्या, फोटो शेयर कर बोले यूनिवर्सल बॉस मेरे बेस्ट फ्रेंड, लोगों ने कहा हमारे पैसे कब लौटाओगे। भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान रूमेली ने लिया संन्यास, 2018 में खेली थी अपनी आखिरी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर ब्रैड हॉग ने ऋषभ पंत को दी सलाह, कहा इस दिग्गज को फोन घुमाओ और टिप्स लो। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन चोटिल, जैमी ओवर्टन न्यूजीलैंड के खिलाफ करेंगे पदार्पण। शाहरुख खान की फिल्म में नजर आएंगी दीपिका पादुकोण, कैमियो रोल में दिखेंगे एक्ट्रेस। स्टीव मैकरी ने शेयर की अफगानिस्तानी रिफ्यूजी के पिक्चर, फैंस बोले ये अमिताभ बच्चन की तरह क्यों दिख रहे। एक वर्ष ने जारी किया शमशेरा का नया पोस्टर, खाकी वर्दी में खूंखार नजर आए संजय दत्त। तेलुगु इंडियन आइडल में चिरंजीवी ने रजनीकांत के सिग्नेचर वॉक को किया कॉपी, फैंस बोले फिल्म बननी चाहिए। सलमान खान ने फिल्म शूटिंग के बीच किया पौधारोपण, बोले जगह पेड़ होंगे वहां पानी होगा। कॉमेडियन बिल कास्बी को 47 साल बाद मिली सजा, 1975 से चल रहे यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार। बिकॉज द फिल्म के फ्लॉप होने का जिम्मेदार अक्षय कुमार को ठहरा, 80 करोड़ भी नहीं कमा पाई। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और भाई समेत अन्य लोगों के खिलाफ दाखिल किया आरोप पत्र, 12 जुलाई को होगी सुनवाई। अनु कपूर के साथ फ्रांस में हुई लूट, आईपैड क्रेडिट कार्ड्स और कैश से भरा बैग ले उड़े चोर। कमाई में पति से आगे है नयनतारा, एक्ट्रेस की नेटवर्थ 165 करोड़, पति विघ्नेश सिवन से ज्यादा कमाती है सुपरस्टार। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।